वेलकम स्टूडेंट टू ए न्यू लेक्चर ऑन हिरन्स फार्मूला क्लास 9th मैथमेटिक्स। यहाँ पे हम लोग हिरन्स फार्मूला के बारे में जानेंगे। यहाँ ये आपका एक चैप्टर ही है, आपको भी अजीब लगेगा कि एक चैप्टर पे पूरा एक फार्मूला पे पूरा चैप्टर बना हुआ है और वो भी हिरन्स फार्मूला। ये हिरन्स कोई कोई हीरो भी बोलते हैं, लेकिन हिरन्स या हीरो जो है उस मैथमेटिशियन का नाम था, इजिप्ट के मैथमेटिशियन, बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उनका उनके नाम पर पड़ा हुआ हिरन्स फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और ये किस पे अप्लाई होता है, तो वैसे कहने के लिए तो सिर्फ ट्रायंगल पे अप्लाई होता है और कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अलग से फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा कि √3/4a² ये होता है, या आपको आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए √4a² - b² फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ एक ये फार्मूला। ये सारे ट्रायंगल का जो एरिया है वो कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी है। और सिर्फ ट्रायंगल का ही नहीं, आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल भी जो है वो भी बना रहता है किससे, तो वो भी ट्रायंगल से ही बना रहता है। दो ट्रायंगल कर दिए या दो डायगोनल बना दिए, चार ट्रायंगल हो जाएंगे, ठीक है। बड़े बड़े पेंटागन, हेक्सागन, उन सबको भी हम ट्रायंगल में बांट सकते हैं। तो इससे हिरन्स फार्मूला से हम किसी भी फिगर का एरिया बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं एरिया के बारे में। तो डिफिनीशन ऑफ एरिया मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है, जब पैरेललोग्राम पढ़े थे उसी का ये आगे वाला पार्ट देख सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल में हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, कि एरिया जो होता है वो होता है किसी भी फिगर के, अगर मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, तो ये एक रेक्टेंगल है, तो इस फिगर के बाउंड्री के अंदर का जो रीजन है, ये जो रीजन है इसी को हम लोग एरिया बोलते हैं। तो रीजन इनसाइड द बाउंड्री ऑफ ए फिगर इज नोन एज एरिया। अब हिरन्स फार्मूला का यूज क्या है, टू कैलकुलेट एरिया, ठीक है, ऑफ प्लेन फिगर। और ये किसी प्लेन फिगर का, वैसे कहने के लिए अगर बुक में देखेंगे या दूसरी जगह, तो वो लिखा रहता है स्केलन ट्रायंगल के। स्केलन ट्रायंगल आप ऑफकोर्स जानते होंगे, वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड अलग अलग हो। हम लोग जानते हैं हमारे पास अगर एक राइट ट्रायंगल हो जिसमें एक बेस हो, मान लीजिए यही बेस है या कोई भी बेस हो सकता है, ये हाइट हो, तो उस कंडीशन में इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 × बेस × हाइट। और ये बहुत ईजी है, आपको पता भी होगा, आप लोग पैरेललोग्राम से पढ़ के आए हैं कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। इस सब का अगर नहीं आता है आपको डेरिवेशन कि कैसे आता है बेस इंटू हाइट, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, उसमें सभी एरिया का, चाहे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो, चाहे एरिया ऑफ ट्रायंगल हो, सबका जो दिया हुआ है, ठीक है, कि कैसे प्रूव किया जाता है। तो मान लीजिए पैरेललोग्राम है, अब ये पैरेललोग्राम का बेस इनटू हाइट रहता है, और इसी का आप जानते हैं कि जब डायगोनल बनाया जाता है, हम लोग एरिया पैरेललोग्राम पढ़े हैं, तो एक थ्योरम था कि जब डायगोनल बनाया जाता है पैरेललोग्राम में, तो वो उस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल हिस्से में बांट देता है। ये पूरा था बेस इनटू हाइट, अब इसका कितना हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा 1/2 × बेस × हाइट, ये भी हो जाएगा बेस इनटू हाइट बाय 2, या 1/2 × बेस × हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और ये किसके लिए है, राइट ट्रायंगल के लिए, किसके लिए, राइट ट्रायंगल के। इसी तरह से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हम बात करें, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसमें इसके बारे में आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि ये जो होता है वो होता है √3/4a². अब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, ये तो पता ही होगा कि वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड जो हो वो इक्वल हो, ठीक है, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। अगेन इसका भी नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप इसको प्रूव करना सीख सकते हैं। उसी तरह से एरिया ऑफ अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल हो, आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल का भी एक फॉर्मूला है अलग से, √4a² - b², ठीक है, इस सब के लिए था। लेकिन जब स्केलन ट्रायंगल का आता है तो वहाँ पे नहीं था हम लोग के पास, और यहाँ ये ग्रेट जो मैथमेटिशियन थे हिरन्स, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया एरिया ऑफ स्केलन ट्रायंगल। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगाया जाता है, और ये फॉर्मूला है क्या, यही है हिरन्स फॉर्मूला। हिरन्स फॉर्मूला क्या चीज़ है, तो देखिए ये बोलते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल हो हमारे पास, मान लीजिए स्केलन ट्रायंगल है कुछ इस तरह का, जिसका ये अलग हो ये अलग हो, मान लीजिए ए बी है, ये बी है, ये सी है। याद रखिए आप कि हम लोग किसी पॉइंट को जो है, उस पॉइंट को हम लोग कैपिटल लेटर से, आप ज्योमेट्री के बेसिक में पढ़े होंगे कि पॉइंट को हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, लेकिन जो लेंथ होता है, ठीक, जो लेंथ होता है, जैसे ये बी सी लाइन सेगमेंट का लेंथ है, उसको हम स्मॉल लेटर से दिखा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो उसको हम स्मॉल सी से भी दिखा सकते हैं। तो ये बेसिक सा ज्योमेट्री है। तो यहाँ मान लीजिए ए बी सी है, ए बी सी कहने का मतलब हो सकता है ये 3 हो या 4 हो या 5 हो, 3, 4, 5 कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में इसका आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं क्या, तो जी हाँ पेरीमीटर। अब फिर एरिया की बात कर रहा है, पेरीमीटर कहाँ से आ गया, तो देखिए धीरे धीरे समझ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप हिरन्स फार्मूला पढ़ के नया है, आप लोग 7th 8th में ही पढ़े हुए हैं। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो पेरीमीटर सिंपली मीन्स कि बाउंड्री जो है उसका सम। तो यहाँ बाउंड्री कौन है, एक बाउंड्री है ए बी, एक बाउंड्री है बी सी, और एक बाउंड्री है ए सी। तो पेरीमीटर सिंपली मीन्स कि ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ पे ए बी को हम लोग लिखे हुए हैं कि ए बी जो है वो ए है, यहाँ पे BC जो है वो C है, और AC है B, इसको हम A प्लस B प्लस C लिख देते हैं। अब इसी में अगर मैं बोलूँ आपको सेमी पेरीमीटर क्या होगा, अब बोलिए सेमी पेरीमीटर का क्या काम है, यहाँ पे हिरन्स फार्मूला में काम है। सेमी पेरीमीटर क्या है, सेमी पेरीमीटर नाम से आपको पता चल रहा होगा, सेमी का क्या मतलब होता है, सेमी मतलब हाफ, ठीक है, सेमी या हिमी, सेमी सर्कल आप पढ़े होंगे, इसी तरह से सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ।
सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो सिंपली पेरीमीटर क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, सेमी को आप हटा दीजिए, तो सेमी का क्या मतलब है, सेमी का मैसे मतलब है हाफ, यानी 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, या इसको ऐसे लिख दे ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो हो गया सेमी पेरीमीटर। हीरोन्स फार्मूला जो है वो सेमी पेरीमीटर पे ही थोड़ा थोड़ा बेस्ड है। हीरोन्स फार्मूला ये कैसे है, तो ये हीरोन्स फार्मूला जो है वो कहता है कि आपका जो एरिया होने वाला है, ठीक है, मेनली स्केलन ट्रायंगल के लिए, वैसे किसी पे अप्लाई किया जा सकता है, एरिया जो है वो कितना होता है, तो एरिया होता है एस, ठीक है, एस यहाँ पे क्या है, एस है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर को एस से दिखाते हैं, और एस कितना होता है, तो एस होता है यहाँ पे लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्या इतना बड़ा फॉर्मूला है? जी हाँ, इतना ही बड़ा फॉर्मूला है, और बहुत ईजी है। देखिए, आपको एरिया निकालना है तो पहले आप स्क्वायर रूट लगा लीजिए, स्क्वायर रूट आपको पता ही होगा, जैसे 144 है, तो इसका स्क्वायर जो है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12 होगा। ठीक है, स्क्वायर करते हैं ना, जैसे 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 144। स्क्वायर का कहने का मतलब उसी को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, जैसे 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 144। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि 144 को किससे मल्टीप्लाई किए थे, किस दो नंबर को मल्टीप्लाई किए थे जो 144 आया था, तो 12 को। तो ऐसे ही, तो इसमें स्क्वायर रूट लगाएंगे किसका, सेमी पेरीमीटर, पहले सेमी पेरीमीटर, फिर सेमी पेरीमीटर को गुणा करेंगे किससे, एक बार सेमी पेरीमीटर को फर्स्ट साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक बार सेमी पेरीमीटर को सेकंड साइड से, एक बार सेमी पेरीमीटर को थर्ड, सेमी पेरीमीटर को थर्ड साइड से, और इस सब को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया। और इसी को, ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को क्या कहते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, ओके, फॉर्मूला कैसे बनता है, तो बेसिक ऑब्जर्वेशन सबसे, ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं और फॉर्मूला बनाते हैं। इसका प्रूफ अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं ऐसे हीरोन्स फॉर्मूला का प्रूफ कैसे होता है ये। अगेन, इसका प्रूफ आप तभी देखेगा जब आपका थोड़ा अलजेब्रा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, और पेशेंस हो, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस मांगता है, थोड़ा लेंथी मेथड है आपके लिए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग करेंगे, है इजी, लेकिन वो थोड़ा एडवांस मेथड हो जाएगा अगर हम लोग शॉर्ट मेथड पे जाएंगे, तो इसलिए हम लोग इजी मेथड से करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से करेंगे, तो वो थोड़ा सा लेंथी मेथड। तो ये बात हुआ, अब देखिए बस इस यही फार्मूला पे पूरा चैप्टर घूम रहा है, ठीक है, इसी एक फार्मूला पे। अब इस फार्मूले में आपको अलग अलग चीज़ दिया रहेगा, आप जानते हैं, आप लोग ऐसा नहीं है कि पहला बार एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, जब आपको एरिया पता चल जाता है किसी चीज़ का, तो आपको बोल दिया कि वाल है, वाल का एरिया निकालो, और वाल कोई भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, या जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल हो, आपको ऐसा भी फिगर मिल सकता है। देखिए, ये मैं ऐसा फिगर बना दिया, ये क्या है, एक तरह से क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस नहीं समझिएगा, मैं अभी नहीं बोला हूँ कि रोम्बस है, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए इसको हम दो ट्रायंगल में बांट दें, इसका साइड था 3, 4, 7, 9 और ये मान लीजिए 6 है, ठीक है, 7, 9, 6। तो इस कंडीशन में इस दोनों का एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये ना ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ना ही कुछ, और इस क्वाड्रिलेटरल का तो छोड़िए, क्वाड्रिलेटरल का निकाल ही नहीं सकता है। ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में देखिए, ऐसे केस में हम लोग पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है, जो हीरोन्स फार्मूला से आराम से निकल जाएंगे। कैसे, तो यहाँ देखिए, हीरोन्स फार्मूला से हम लोग पहले इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर निकाल के सेमी पेरीमीटर यानी आधा कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या कर देंगे, उसके बाद हम लोग ये फार्मूला पर लगा देंगे, यहाँ पे ए कौन हो जाएगा, मान लीजिए 3, कोई भी ले सकते हैं, ए जरूरी नहीं है 3 ही ले, 4 को भी ले सकते हैं, 6 को भी ले सकते हैं, ए को ए, ए को बी, ए को सी, यही चीज़। तो दोनों को निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, इससे क्या आ जाएगा, एरिया। अब मान लीजिए ये एक वाल है किसी रूम का, और भी रूम है, और ये इस रूम का वाल है, बोल रहा है इसको पेंट करना है, तो पेंट कितने एरिया को किया जाएगा, ठीक है, मान लीजिए इसमें एक खिड़की भी है, तो खिड़की का एरिया आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है, खिड़की अगर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ दिया रहेगा, उसको घटा दीजिएगा, तो वैसे एरिया निकल जाएगा। उसके बाद मान लीजिए बोल रहा है कि पेंटिंग का पैसा दिया हुआ है, कि हर मीटर स्क्वायर, एरिया का क्या यूनिट होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो हर मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 5 रुपये है, तो बताइए कि पूरे को करने में कितना लगेगा। तो ये सब भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि आपको सीधा डायरेक्ट एरिया ही पूछे, ठीक है, आपको एरिया दिया रहेगा, आपको हाइट या बेस पूछ सकता है, क्योंकि एरिया सिर्फ यही फार्मूला नहीं, यहाँ पे 2-3 और इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो काम आएगा। पहला चीज़, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और कौन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगेन एरिया ऑफ, ये तो हुआ राइट ट्रायंगल के बारे में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो होगा बेस इंटू हाइट सिंपली। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, वैसे मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल नहीं बताया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसा होता है, देखिए इस तरह का, जिसमें एक पैरेलल साइड होता है और दूसरा नॉन पैरेलल, ठीक है, अपोजिट साइड एक पेयर जो होता है, अपोजिट साइड वो पैरेलल होता है। इसे मान लीजिए इसमें सेम चीज़ है, बेस इनटू हाइट का ही फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन इसमें दो बेस है, एक अगर हाइट बना दिए तो इसमें दो बेस है, एक ये वाला बेस मान लीजिए बेस ए है, एक ये वाला बेस, ये बेस मान लीजिए बी है, ठीक है, तो एक बेस ए है एक बेस बी है, तो इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस कितना है यहाँ, दो ना,
एक ई और एक बी, तो दोनों को जोड़ देंगे ए प्लस बी इंटू एच। तो यही क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। और उस एच को क्या बोल देंगे इंटू हाइट, ठीक है, या इसी हाइट को क्या बोला जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एच जो है इसको क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हाइट का क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ना, किस दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ये तो पैरेलल लाइन है उसके बीच में, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। अब चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि आपका जो चैप्टर है और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बस इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, एक दो क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, कंसेप्ट इतना ही है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं पैरेलल लाइंस। एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो बोलेगा एक ट्रैफिक सिग्नल, आपको दिख भी रहा होगा क्वेश्चन, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ठीक है, जो दिखा रहा है कि स्कूल अहेड लगा रहता है ना, वैसे स्कूल अहेड करके एक लगा हुआ है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब आप देखे भी होंगे रोड पे जो है ऐसे लिखा रहता है और इस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया रहेगा एनसीईआरटी का, मैं सॉल्व कर रहा हूँ स्कूल अहेड ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सब साइड इक्वल है, और ये दिया भी हुआ है कि सब साइड जो है ए सेंटीमीटर या ए यूनिट है, ठीक है, ए है साइड। अब बोला एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड हिरोंस फार्मूला के मदद से, आप इसे नहीं निकालेंगे √3/4a² से नहीं, आप हिरोंस फार्मूला से निकालेंगे जो कि √s(s-a)(s-b)(s-c) है उससे, ठीक है, कैसे और कुछ देना है क्योंकि इसमें पेरीमीटर का काम होगा, तो हाँ दिया हुआ आपको कि पेरीमीटर जो है ट्रेंगल का वो 180 है, बस मेरा काम हो गया, पेरीमीटर क्या है 180। तो हम लोगों को पहले क्या निकाला s यानी सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब अगेन पेरीमीटर का आधा यानी 180/2, ये क्या निकल गया 90। और हमको क्या चाहिए एरिया हिरोंस फार्मूला से, तो एरिया निकालने के लिए ये क्या निकला अगेन, यहाँ तो सेमी पेरीमीटर निकल गया, अब साइड भी हमको निकालना है, साइड कैसे निकालेंगे, तो साइड निकालने के लिए एक सिंपल सा चीज समझिए, पेरीमीटर तो 180 आया, पेरीमीटर इसका होता क्या है, तो पेरीमीटर मतलब बाउंड्री की लंबाई, तो a + a + a, तो पेरीमीटर है क्या 3a, तो 3a किसके बराबर हो गया 180 के, तो a किसके बराबर हो जाएगा 60 के, कैसे 180/3, ये 3 इधर ले आएंगे डिवाइड में हो जाएगा 60, तो सारा साइड कितना हो गया 60, ठीक है, ये हो गया 60। ओके, तो अब हम लोग लगाने के लिए तैयार है, हम लोग फार्मूला क्या है s (s-a)(s-b)(s-c) ये फार्मूला है, तो ये इसको हम लोग कैसे करेंगे, s कितना है यहाँ 90 (s-a) क्या हो जाएगा, s है 90 और a क्या है कोई नहीं 60, यहाँ पे सबसे बराबर ही है 60 इंटू एस, फिर से b भी है 60, s की जगह मैं 90 लिख देता हूँ, इंटू सी यानी 90-60, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा 90 × 30 × 30 × 30। अब देखिए आप स्क्वायर रूट से निकालना आप जानते ही होंगे, ये सब तो बेसिक बेसिक है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 2 × 30 है, तो एक 30 बाहर निकाल लीजिए, क्या हम 90 को 30 के रूप में लिख सकते हैं, जी हाँ 3 × 30 लिख सकते हैं × 30, ठीक, ये वाला 30 ये दोनों निकाल लिए क्योंकि 2 रहता है तो एक निकल जाता है, तो एक मैं निकाल लिया, ये मल्टीप्लाई में लिया, 2 30 था तो एक 30 मैं निकाल लिया, और यहाँ पे इस 90 को भी मैं क्या प्रयास किया हूँ, इस 90 को भी प्रयास किया हूँ किसमें लिखने का 30 में, तो 30 × 3 लिख सकते हैं। अब ऑफकोर्स पूरा इसको तोड़ सकते हैं, यानी 90 है 90 को पूरा तोड़ देंगे 245, उसके बाद 3 से कर देंगे 15, ठीक, उसके बाद फिर से इसको 35 जाओ, और सभी को तोड़ तोड़ के बाद में देख सकते हैं, पर मैं इजी वाला मेथड चुनूंगा, ठीक है, जो जो कॉमन है पहले उसको निकाल दो, फिर ये 30 × 3 90 लिख सकते हैं, आप 9th क्लास में इतना कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हैं, × 30 ये वाला 30, तो ये वाला मैं लिख दिया, तो फिर से 30 दोबारा आ रहा है, 30 को मैं फिर से एक बार ले रहा हूँ, एक बार पहले ही से लिया हुआ था, एक बार और एक बार क्या हो गया √3, तो ये क्या हो जाएगा 900 × 3 = 900 √3, ठीक है, और पेरीमीटर जो था 180 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो यहाँ लिख दीजिए सेंटीमीटर इसको, तो वेरी इजी, ऐसे ही बनाइएगा आप। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप देखेंगे, तो वो बोला हुआ है ट्रेंगुलर साइड वॉल है, जो आप फ्लाई ओवर देखते हैं ना, तो वैसे ही फ्लाई ओवर है जिसपे ट्रेंगुलर वॉल है, उसमें एडवर्टाइजमेंट होना है, ठीक है, यानी उस पर कुछ पोस्टर वगैरह चिपकाया जाता है, और वॉल का साइड दिया हुआ है आपको, वो जो ट्रेंगल आप देख रहे हैं फिगर में आपको दिख रहा होगा 122 22 120, ठीक है, तो ये आपको फिगर दिख रहा है, अब तीन साइड मिल गया, अब इससे आप पहले सेमी पहले पेरीमीटर निकालेंगे तीनों को जोड़ के, उसके बाद सेमी पेरीमीटर निकालेंगे 2 से डिवाइड करके, जहां सेमी पेरीमीटर निकला तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, जहां पे एक साइड है 122, एक साइड है 22, एक साइड है 120, तो इसको डिवाइड करके निकालेंगे। अब बोल रहा है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो 5000 रुपये हर मीटर स्क्वायर कर लेता है एक साल के लिए, ध्यान से एक साल के लिए कितना 5000, आपको पूछ रहा है 3 महीने के लिए, 3 महीना कितना होता है एक साल का 1/4 होता है ना, 3 को अगर 4 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, तो 1/4 होता है, तो पहले आप उस पैसे को 1/4 से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद आप एरिया निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा है, ये हो गया। चलिए उसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, आप देखेंगे पार्क के बारे में दिया हुआ है, ठीक, उसका लेंथ सब कुछ दिया ही हुआ है, बोल रहा है एरिया कितना पेंट करना है, तो आप एरिया निकाल दीजिए, एरिया को देख लीजिए, वही एरिया पेंट करना होगा जितना उसका एरिया निकलेगा। चौथा क्वेश्चन और इजी है, ठीक है, चौथा क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, चौथा क्वेश्चन में एरिया निकालना है आपको, साइड दिया हुआ है
ठीक है, 1810 और पेरीमीटर भी दिया हुआ। इससे अच्छा मैं फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन बोला साइड ऑफ ए ट्रेंगल आर इन द रेशियो, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, साइड्स ऑफ ट्रेंगल क्या दिया हुआ है, रेशियो में, आर इन रेशियो। रेशियो तो आप समझते हैं, रेशियो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब ये जो आपको 12:17:25 दिख रहा है, ये हो सकता है ऐसे भी होगा 24:34:50, जिसको 2 से डिवाइड करके ये कर दिया होगा। इसको हमको पता नहीं कि इससे किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, जैसे यहाँ आप देखें 12 को 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। हो सकता है ये 12:3 यानी 36 हो, ये 17:3 यानी 51 हो, या 25:3 क्या हो, हाँ 75 हो, तो इसमें भी 3 कट के क्या हो जाएगा ये। तो मतलब हमको पता नहीं कि 12 से क्या मल्टीप्लाई हो गया, साइड जरूरी नहीं है, साइड जरूरी नहीं है कि 12 हो सकता है 24 हो सकता है 36 हो, कुछ हो। तो इस केस में हम लोग, आपको पता होगा कि जब हम लोग को रेशियो दिया जाता है तो हम लोग उसको एक्स मल्टीपल ले लेते हैं, एक्स जरूरी नहीं है कोई मल्टीपल। तो हम लोग मान लेंगे लेट साइड्स बी, जो साइड्स है ट्रेंगल का वो क्या हो जाएगा, ट्रेंगल बी 12x, ठीक है, यहाँ पे x 1, 2, 3 कुछ हो सकता है, 17x एंड 25x, ये तीनों मिल जाएगा। आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, बस मेरा काम खत्म हो गया। पेरीमीटर से मैं पहले साइड निकालूंगा, क्योंकि हीरेंस फार्मूला लगाने के लिए हमको एरिया चाहिए, हीरेंस फार्मूला निकालने के लिए हमको साइड तो चाहिए। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, अगेन सारे साइड को जोड़ के, तो साइड क्या है यहाँ 12x प्लस 17x प्लस 25x, ये किसके बराबर हो जाएगा, पेरीमीटर जो दिया है जो कि 540 है। तो अगेन 17 और 12 कितना हो जाएगा, 29 और 25, ठीक है, कितना हो जाएगा 54 इक्वल टू 540, ठीक, ओ सॉरी, तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, x क्यों निकाल लें, x से ही निकालेंगे तो साइड 540/54, ये 54 प्योर 10 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10, x जब 10 आ गया तो साइड कितना हो गया, साइड हम अगर ये 12x को a मान ले, इसको b मान ले, इसको c मान ले, तो a कितना था हमारा 12x, जरूरी नहीं है कि इसी को किसी को मान सकते हैं। तो 12 × 10 पहला साइड कितना आ गया 120, ठीक है, दूसरा साइड क्या है 17x, ये कितना आ जाएगा 17 × x यानी 10, x का वैल्यू 10 आया तो 170। उसी तरह से c जो है वो कितना आ जाएगा, वो आया है 25x, ये कितना आ जाएगा 25 × 10 यानी 240। अब तो एकदम ईजी है, अब कैसे निकालेंगे, पहले s निकाल लेंगे, s कैसे निकलेगा, अब सब कुछ ईजी है, मैं नहीं करने वाला, अब सब कुछ ईजी है, मैं सिर्फ बता देता हूँ s कैसे निकालेंगे। तो s निकालने के लिए आप 120 प्लस 170 बाय प्लस 1 250, तीनों साइड को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेंगे, ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला हीरेंस फॉर्मूला लगा देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, काम खत्म। मैं आइडिया दे दिया आपको किस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। बोला एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स समझते हैं, जिसका दो साइड बराबर होता है, वो कोई दो साइड हो सकता है, मान लीजिए ये और ये साइड बराबर है, ठीक है, और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, और इक्वल साइड जो है वो 12 है, इच इक्वल साइड इज 12, मतलब ये भी 12 तो ये भी 12, आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल का, ओके। पेरीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पेरीमीटर दिया हुआ है 30, आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना, मान लीजिए ये कुछ है x है, ठीक है, a है, b है, कुछ हो सकता है, तो यहाँ पे चलिए ये दोनों a था, ये b था, तो ये c है, तो मान लीजिए कि हमारे पास a प्लस b प्लस c कितना होता है, पेरीमीटर इसी को बोलते हैं, जो कि 30 है, तो यहाँ पे a और b बराबर ही है, जो कि है 12 + 12, प्लस c क्या है, c नहीं पता, 30, ठीक है, तो यहाँ 24 प्लस c इक्वल टू क्या आ गया 30, अब c क्या हो जाएगा 30 × −24 कितना आ गया 6, बस a आ गया, b आ गया, c आ गया, c आ गया कितना 6, बस काम खत्म, ए बी सी आ गया। फिर से पेरीमीटर आपको दिया हुआ, तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, या पेरीमीटर दिया हुआ है तो 30/2 यानी 15 हो जाएगा, फार्मूला में बैठा दीजिए, एस इंटू ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बस काम खत्म हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए। ये तो हुआ ट्रायंगल के केस में, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ट्रायंगल से पूछे, आपको क्वाड्रिलेटरल से भी पूछ सकता है, या बहुत सारा कॉम्प्लेक्स फिगर मिला के दे देगा उससे भी पूछेगा। जैसे आप देखेंगे, अब मैं सिर्फ आइडिया दूंगा आपको, ज़्यादा कुछ हर एक क्वेश्चन बताऊंगा नहीं। जैसे आप देखेंगे कि एक्सरसाइज जो 12.2 है, वहाँ पे एक पार्क दिया हुआ है, जो पार्क किसका शेप में है, क्वाड्रिलेटरल के शेप में, ठीक है, जिसमें एंगल सब भी दिया हुआ है, ठीक, साइड भी दिया हुआ है, और इसे आपको थोड़ा आइडिया लगाना। मैं एक क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन जो है वो बता देता आपको। बोले एक पार्क है जो कि क्वाड्रिलेटरल के शेप में है, ए बी सी डी, जहाँ पे एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री होना है, तो मैं इसे बना लेता हूँ, और क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो, हमको क्या है, एक पर एंगल सी को मुझे 90 बनाना पड़ेगा, मैं इसको सी रिजर्व कर लेता हूँ, और जो भी हो ए बी सी डी मान लीजिए है, ये सी जो है 90 डिग्री है, ठीक, ए बी जो है वो 9 है, ए बी क्या है, ये ए बी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी 12, तो आप फिगर पे नहीं चाहिए, वो कैसा भी हो, बी सी 12 सेंटीमीटर, सी डी 5 सेंटीमीटर, ओके, सी डी 5 सेंटीमीटर है, ए सी डी 5 सेंटीमीटर, और ए डी 8 सेंटीमीटर, ए डी 8 सेंटीमीटर, हमको क्या करना है, हमको एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया, अब एरिया तो इसको निकालने के लिए हमको ट्रेंगल चाहिए, ठीक है, हाँ ट्रेंगल तो चाहिए, तो वो कैसे आएगा, तो पहले देखिए एक सिंपल सा आपको काम करना पड़ेगा, आपको अगर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर ले आप तो काम बन जाएगा। जैसे यहाँ एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ये पूरा 9 था,
ये अगर ऐसे करेंगे जिससे कि ये और ये इक्वल हो जाए तो यहाँ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया और ये एक ट्रेंगल बन गया। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर गिराएंगे तो इसका आप निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसका? तो इसका देखिए, ये अगर परपेंडिकुलर गए हैं तो यानी ये राइट ट्रेंगल हो गया, राइट ट्रेंगल हो गया तो ये 8 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल ही जाएगा। कैसे? रूट अंडर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो ये आ ही जाएगा। बस ये तीनों साइड आ गया, इसका हेलम्स फार्मूला से निकाल दीजिए और ये तो आपके लिए क्या हो गया, रेक्टेंगल, जहाँ पे ये 5 5 है, ये इधर 5 है, इतना ये दोनों मिला के नहीं, इधर 12 है, इधर 12 है, बस एरिया निकाल दीजिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अगर देखेगा तो उसमें दिया हुआ एरोप्लेन जैसा, उसमें देखिए ऊपर वाला भी एरोप्लेन है, इधर लेफ्ट में राइट में दोनों में ट्रेंगल है, तो उसको आप आराम से ट्रेंगल के एरिया से निकाल सकते हैं। नीचे जो है एक रेक्टेंगल भी है, वो भी कर लेगा, और नीचे ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का मैंने एरिया बता ही दिया हुआ है, तो उसे आप निकाल सकते हैं। तो इजली सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। हाथी वाला है, अम्ब्रेला वाला है, उसमें भी आप एक का निकाल लीजिए, बाकी सब निकाल जाएगा। पतंग वाला है, और भी पैटर्न सब है, बहुत ईजी है, मतलब कहने का मतलब। तो इस तरह से यही हम लोग को सीखना था इस पूरे हीरोन्स फार्मूला में। ठीक है, कैसे निकलता है सेमी पेरीमीटर का कंसेप्ट हम लोग समझ गए। फिर अगर एक क्वाड्रिलेटरल हो जिसमें एक डायगोनल दिया रहे, उस केस को एक बार और लास्ट में हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं, कभी कभी वो जरूरी हो जाता है हम लोग को, तो उसको भी चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जब कोई क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, जिसका साइड दिया रहे और एक डायगोनल दिया रहे, उस कंडीशन में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वैसे तो आपको मैंने आइडिया दे ही दिया कि किस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्शन करके काम चला सकते हैं, फिर भी हम लोग एक जो है एक स्पेशल केस देख लेते हैं जिसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया कब, जब उसका एक डायगोनल दिया रहे और उसके साथ साथ उसके साइड्स दिए रहे, उस केस में हम लोग कैसे करेंगे। तो बहुत ईजी है, तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कुछ है क्वाड्रिलेटरल, या मान लीजिए ये रहा हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल कोई, ठीक है, जिसका नाम दिया ABCD, जरूरी नहीं ये पैरेललोग्राम हो, कुछ भी हो, ये ABCD हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एक डायगोनल दिया रहेगा। ठीक, हाँ डायगोनल दिया है, और आपको क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब समझिए आप इसको डायगोनल, ये आपको एक डायगोनल का वैल्यू दिया रहेगा, और ये अगर मैं इसको H1 मान लूँ, ये हाइट 1 है और ये H2 है, तो ये दिया रहेगा, और आपको डायगोनल D दिया रहेगा। तो उस कंडीशन में एरिया कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है, एरिया ऑफ ABCD, या आप रिप्रेजेंटेशन देखे होंगे एरिया पर, एरिया ऑफ ABCD किससे बना है? एरिया ऑफ ट्रेंगल ACD, ठीक है, ACD के, और एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC, इसी दोनों से बना है ना, तो ठीक है, इसी दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल, आप देखिए ACD कैसे बनेगा, तो ये बनेगा सिंपली 1/2 इंटू बेस कौन है इसका, AC इंटू हाइट जो कि है DE, कर दीजिए F कर दीजिए DE, जो कितना आ जाएगा, तो 1/2 इंटू AC क्या है D, यानी डायगोनल, इंटू DE यानी H2। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC जो है वो कितना है, 1/2 इंटू बेस, तो अगेन वही है AC, ये ट्रेंगल, इसमें बेस तो अगेन वही है AC ही, इंटू क्या, हाइट यहाँ क्या है BF, ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 इंटू AC यहाँ पे फिर से वही डायगोनल है, ठीक है, इंटू BF जो कि है H2। तो बस हमारा काम बन गया, इस दोनों को जोड़ना था ना, तो मैं जोड़ देता हूँ। यहाँ पे कुछ कॉमन आ सकता है, हाँ कॉमन आ सकता है, कौन कौन, 1/2 आ सकता है दोनों में, D आ सकता है दोनों में, तो बचा क्या H1 + H2। ये आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल, कब, जब एक डायगोनल दिया रहे, ठीक है, when one diagonal and perpendicular from opposite vertex are given, perpendicular दिया रहे किसे, from opposite vertex दिया रहे तब, ठीक है, from opposite vertex to the diagonal, opposite vertex से किसे to diagonal। तो यही चीज़ हम लोगों को सीखना था, मैंने अलग अलग क्वेश्चन भी आपको करके दे दिया जिससे कि आप आराम से आइडिया लगा सकते हो। बहुत छोटा है चैप्टर था, सबसे मज़ा क्लास 9th में ये चैप्टर बनाने में आता है, और बहुत ईजी है। ठीक है, इसी तरह से देखते रहिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।